सोडियम सल्फेट, ठीक है, और प्रेसिपिटेट हो जाता है, और कैल्शियम और ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्या करता है बॉयलर में ये करता है। अच्छा अब ये आप अमोनिया वाला याद रखिएगा, मैं अगेन इस पे चले जाता हूँ, ठीक है ना, ये बात रह जाएगी। ये आपका सॉफ्टनर है, अभी आपने मुझे बताया कि आपने कंडेंसर में बताया कि हमने उसकी पीएलसी कंट्रोल कर दिया कि मतलब 15 मिनट पहले वाल्व बोल दे और 15 मिनट बाद बंद कर दे तो बैक वॉशिंग हो जाएगी, इसमें साइंटिफिकली कुछ नहीं हुआ। ये आपका सॉफ्टनर का आउट है, ये इसका बैक वॉश लाइन है और ये एक वाल्व है, ये बैकवॉश ओवरफ्लो है, ठीक है, ये वेंट है, यहां से ये सब रीजन है, कितने कितना मीडिया क्रॉसिंग मीडिया कितना है, उसका मिनिमम जो क्रॉसिंग मीडिया है वो होता है 42 इंचेस, कितना 42 इंचेस। इस बच्ची को आपने क्रॉसिंग मीडिया लिखने के लिए भेजा हुआ है, तो बुलेट शर्ट पे आपको सर चीजें या बहुत सारी आपको याद रहेगी, हमें तो भूलने के लिए ज्यादा रिव्यू हो गया ताकि ना ये तरीका ये अच्छा ये 42 इंचेस कम से कम होता है। अब इसके अंदर सोडियम है, ठीक है ना, इसके सोडियम लेते हैं। आप इसको बैकवॉश क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ऊपर मड एक्युमुलेट हो जाती है, इसलिए करते हैं ना, रिजल्यूशन में तो आप सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं कितना 10% करते हैं, बस 10% होते हैं ना। अच्छा अब आप ये क्या होता है, ये पानी आप देते हैं, ये मट्टी उठा देंगे और यहाँ पर पानी देते हैं और आपके बफल 30 मिनट तक की प्रोसेस से आपने 2 से 3 मिनट
थोड़ा सा पानी खोला और उसके साथ ये एयर दी, ये एयर दे जाके अंदर एजिटेशन करेगी खूब तेजी से, और जब एजिटेशन करेगी तो जितनी भी मड होगी ना जो आप 15 मिनट में करते हैं या 3 मिनट में वो काम कर देगी। आया समझ में? जैसे आप पानी देंगे ना उसके साथ ही आप समझ लेंगे आपने ये बात बोल दिया, आपको अंदाजा हो गया कि यार ये बैठ कर अब फील हो रहा है ये यहां तक रेजिस्ट रेजिस्ट से जरा ऊपर आ गया होगा। अच्छा एक तो पहले आपने स्केल लगा लेना है तो वो मुझे करने तक कितनी देर में ये फील हो रहा होगा। नहीं एक अच्छा पढ़ाने का तरीका ये ना कि आप एक यहां पर लेवल गेज लगा दें सबके अंदर, ठीक है ना भाई, इतनी रेपुटेड कंपनी है उसी हिसाब से काम कर लेंगे। तो ये आपने बात लगा दी, अब आपको नजर भी आ रहा है ना पानी कितना है, यहाँ तक पानी पहुंचा आपने इसके साथ, अब इसने तो पानी भरा भरा एयर खोल दी अंदर खूब एजिटेशन हो गई, और जितनी आप देखिएगा सिर्फ 2 मिनट बाद तमाम मट ऊपर आ जाएगी है ना, और फिर ये पानी बाहर खोलने आप देखिए एकदम तमाम टर्बिट वाटर। तो ये जो काम आप 30 मिनट में करते हैं ये 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में आपकी पानी बचा लेंगे। अल्लाह साहब मैंने 20 क्यूबिक मीटर पानी बचा दिया सिर्फ सॉफ्टवेयर बैक वॉश में। सोडियम क्लोराइड सेम आपको करना है आपका सैंड और कार्बन, ठीक है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस। 100 रुपए की 2 नोजल मिलेगी, इसमें नेस्ले आपको सुसंगत वाली कतई मदद नहीं कर सकती, ठीक है ना, आप लगा लें इसके अंदर नोजल कंप्रेसर के साथ जॉइंट कर दी, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप के साथ, और जब इसको बैक वॉश करना होगा नोजल लगाई एयर दी, एयरेशन दुनिया भर में ये प्रोसीजर है फॉर द सेम यूज। दैट्स अ गुड आगे समझ में आया। 15 से 18 क्यूबिक मीटर पानी यहां बच गया, 15 से 18 क्यूबिक मीटर वाटर आप उसे बताएंगे अपने एक्टिवेटेड कार्बन सेल्फ, उससे ये फायदा होगा। जो हमारे एक्टिवेटेड कार्बन है उसको हम रावण से जनरेट करते हैं, इसे करते हैं उसको हम ग्रीन वाटर में फिल्टर करके उसे जनरेट करते हैं। अब जहाँ पानी बचाना है वो बचा नहीं रहे, जहाँ नुकसान करना है वहाँ कर रहे हैं। सॉफ्ट वाटर में हम क्या एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है आप बस आपको एक्टिवेटेड कार्बन कैसे उसमें ना बिल्कुल माइनर क्वांटिटी एक्टिवेटेड कार्बन भूल जाए अगर है ना एक्टिवेटेड कार्बन अच्छी बात है। कार्बन आपके पास है ना माइक्रोस्कोप है ना उसे कार्बन को निकालें एक्टिवेटेड कार्बन को ऊपर उठा लोगा उसे निकालें निकाल के माइक्रोस्कोप में देखें आपको नजर आ जाएगा उसमें पोर्स है एकदम सुराख एग्जास्ट कब होता है जब वो सुराख तक पहुंच जाते 300 सुराख या 200 सुराख होने चाहिए पोरस होने चाहिए अगर इंजन करते 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 70 रह गए अब इसकी एफिशिएंसी 300 से लेके 70 हो गई आपको पता नहीं जरा अब करना क्या है इसी तरह उसमें भी एयर एयर देंगे ना तो इसकी जो पोर्स है दोबारा खुल जाएंगे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो इस रेजन की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस रेजन की एफिशिएंसी 2 वजह से प्रॉब्लम होती है। पहला रीजन ये होता है कि इसके ऊपर जब मड एक्युमुलेट होती है ना है तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। दूसरी वजह क्या है ये तो आपने बैकवॉश के लिए पानी बचा लिया, दूसरा काम क्या करना है आपने दूसरा ये करना है कि जब आप इसको रिजनरेशन करनी है ना तो आपने यहां से ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड 10% का देना शुरू किया। अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब आप ये पानी आएगा ना बाहर यहां से आप इसको जरा से चेक कर लेंगे ये साइंस के यही काम है साइंस साइनाइड पता नहीं कितने मर गए इस वजह से आप लोगों की खिदमत करते हुए तो वो ये यहाँ पर जो है ना कि आप इसको चेक जरा सा चेक आपको कड़वा नजर आएगा डेफिनेटली कर रहा हूँ कड़वा हुआ क्यों कि जब आयन एक्सचेंज रिपीट होती है ना तो सबसे पहले पानी में से पोटेशियम निकलता है, ठीक है ना, पोटेशियम निकलेगा तो आपको लगेगा कड़वा पानी 2 से 4 मिनट बाद नमकीन पानी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ब्राइन यहां तक पहुंच गई 2-4 मिनट और इंतजार करें जब आपको कंफर्म हो जाए कि नहीं यार तो वैसे ही आ रहा है जैसे नमक है हमारा जैसे हमारा सॉल्यूशन है 10% का आप इसको नमक देना भी बंद कर दें
और ये ड्रेन वाल्व भी बंद कर दे, ठीक है, इसको छोड़ दे दो घंटे के लिए, इसको कहते हैं सॉकिंग, ठीक है। आप कुर्सी पे बैठे अगर, और मैं आपको बैठने से पहले धक्का जरा सी धक्का दूंगा, अभी जाएंगे क्योंकि आप अभी सेटल ही नहीं हुए थे, लेकिन अगर आप कुर्सी पे बैठ जाए उसके बाद में आपको गिराना चाहूँ तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो ये पूरा आयल एक्सचेंज प्रोसेस होता नहीं है और फ्लो चलता रहता है और फ्लशिंग होती रहती है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि सॉकिंग किया, उसके बाद आपने आपके पास कितने आयल एक्सचेंजर हैं? तीन है ना, तो आपके पास तो दोपहर से लेकर रात की खाली तक कटाई है। लेकिन जितना ज्यादा छोड़ोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल, गुड। अच्छा, अब आपने ये आ गए यहाँ पर इसमें, जब ये आ गया अब आप इसको, आपने इसकी फ्लशिंग करनी है। आपने जैसे फ्लशिंग करते ना वैसे नॉर्मल, ऊपर से पानी दे और नीचे से निकालना शुरू कर दे, लेकिन ये काम आपको करना है 10 मिनट से भी कम, ठीक है ना, 10 मिनट। उसके बाद जो फ्लो ऑफ वाटर ना उसको 70% कम कर 30% कर लीजिए, 30% पानी दे और फिर इसको निकालना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं स्लो रेंस। ये भी स्लो रेंस होंगे, अब दोनों जगह आपका पानी बच जाएगा, ठीक है ना, ये पानी भी आपको बच गया। अब आप स्लो रेंस ही करेंगे तो ये ग्रेजुअली इसमें से कम होगा। जब इसकी हार्डनेस आप कह दिन में आपकी बात मानते हैं लेस देन 1 ppm हो ना, बल्कि 2 ppm आ जाए ना, तो आप इसको बंद कर देंगे, नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये कम होती है। जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि दुनिया भर के स्टैंडर्ड जो है ना, आपके पास वॉल्टी पर फायर ट्यूब है, फायर ट्यूब ना काय को तकलीफ है भाई, आप कितने कह दिया बेटा, उसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को 5 ppm जब आ जाए, ठीक है ना, 5 आप 5 ppm में बंद कर, उसमें इतनी तो हमारा फाइव ट्यूब एक छोटा सा वाटर ट्यूब का भी हो गया, चार्टर का भी हो छोटा सा ट्यूब लेकिन उनसे पूछिएगा मीटिंग में, अभी जैसे मेरा कोई भी फोन आएगा ना और बाकी कितने आएंगे मेरे, एक कॉल क्योंकि ये मैं किसी का अटेंड नहीं करता, इसी तरह जब मैं दूसरी जगह जाऊंगा आपकी ये अटेंड करूंगा। हाँ, ये मुझे पता चल जाएगा कि आपने कॉल किया, मैसेज छोड़ दे, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना। अब आपने ये कर ली यहाँ पर स्लो रेंसिंग, और स्लो रेंसिंग के बाद इसको आप ले जाए आपने जहाँ भी आप यूज करते हैं, दोनों जगह पे आपने तकरीबन एक जगह 20 और एक जगह 15-35 क्यूबिक मीटर पानी आपने 1,35,000 रुपये बचा दिए एक दफा में। अच्छा, अब आप इसके अंदर एयरशन करेंगे, एयरशन करेंगे तो आप एयरशन करके आप देखेंगे इसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, क्योंकि बैक वॉश जब आप करते हैं तो इसमें हो जाती है चैनलिंग, क्या है ना, पानी आपने साथ दे रहे हो नीचे, अब वो यहाँ से यूं यूं घूम के जा रहा है सांप की तरह, ये नहीं करना चाहिए, फ्रेंच बात बन जाता है ना उसकी वजह से, तो टू अवॉइड द चैनलिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर to make their aeration properly, ठीक है ना, आगे समझ में कोई बात समझ नहीं आएगी तो फिर और